देखो ये क्या है कि हम लोगों के पास दो वायर दिया हुआ है। लेट अस सपोज द टू वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ, मतलब रो और एल सेम है, रेजिस्टिविटी एंड लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, मतलब पहले वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन है, दूसरे की ए टू है, दैट इज 3/1, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहता दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, चलो अगर इनको मैं सीरीज में ज्वाइन करता हूँ तो पहला वाला ये रहा मेरा और दूसरा वाला इसके साथ ये सीरीज में ज्वाइन हो गया, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन है, इसका ए टू है, इसका लेंथ एल वन है और ये एल टू है, आपस में बराबर है, ये रो है, ये भी रो है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, ये आर वन दिया हुआ है 10 ओम, क्लियर है, आर वन ऑलरेडी 10 ओम है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर जो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, और आर वन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 10, मतलब हमें जो निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों ये 10 और प्लस आर टू मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। अगर मुझे आर टू कैलकुलेट करना है तो आर टू कहाँ से आएगा, तो आर टू आएगा इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं तो आर टू हम कैलकुलेट हो जाए। वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर रो एल कॉन्स्टेंट है, रो एल इन दोनों का सेम है, मेटल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम होती है, मेटल सेम है और लेंथ सेम है, तो रो एल सेम है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब आर वन अपान आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए टू अपान ए वन, और इसको मैं फर्स्ट लिया हूँ तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा आर टू मुझे चाहिए और ए टू अपान ए वन, तो ए टू अपान ए वन दैट इज 1/3 आ जाएगा, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 ओम, दिस इज द R2, तो R2 अगर 30 आ गया तो पुट दिस R2 हियर, तो नेट रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 + 30 दैट इज 40 ओम, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज ए ऑप्शन हम लोग का सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर